सो राइट गाइज, कैसे सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले फ्री फायर के एक न्यू इवेंट के बारे में। देखो, न्यू इवेंट तो नहीं है, तुम लोग को पता ही, फ्री फायर में काफी टाइम से इवेंट चल रहा है जिसका नाम है भाई FFWS इवेंट। अब जो इवेंट है इसके अंदर भाई काफी अच्छे अच्छे आइटम देखने को मिल रहा है। जो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट मतलब सबसे अच्छा आइटम है भाई वो जर्सी है। तुम लोग को यहाँ पे फ्री की जर्सी देखने को मिल रही है। अब काफी लोग सोचेंगे कि भाई फ्री की जर्सी हम लोग को कैसे देखने को मिलेगी, तो वो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि भाई फ्री की जर्सी कैसे मिलेगी। तुम्हें डेली यहाँ पे लॉग इन करना होता था 7 दिन के लिए, एंड 7 दिन जैसे लॉगिन कंप्लीट होता है तो यहाँ पे तुम्हें 7वें दिन यहाँ पे क्रेट मिलेगी, ये वाली क्रेट मिलेगी। इसे तुम्हें सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे तुम्हें 3 जर्सी के ऑप्शन आएंगे, उनमें से एक जर्सी तुम्हें लेनी है। तो वही इस वीडियो में बात करेंगे कि विच जर्सी शुड यू चूज। एंड इसके अलावा देखो, मैं तुम लोग को एक और चीज बता देता हूँ कि देयर इज 3 ऑप्शन फॉर यू। अब यार देखो, जहाँ पे ज्यादा ऑप्शन होते हैं वहाँ पे हम लोग चूज नहीं कर पाते, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। अब यार यहाँ पे तुम लोग चूज नहीं कर पाओगे कि भाई कौन सी जर्सी लेनी चाहिए, तो मैं तुम लोग को वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी जर्सी तुम्हें लेनी चाहिए और कौन सी जर्सी मैं लेने वाला हूँ। तो वीडियो काफी कमाल की होने वाली है। एंड यहाँ पे 2 क्रेट मिलेगी, एक ये वाली और एक ये वाली। एंड यहाँ पे तुम्हें कोई मिशन वगैरह नहीं दिया था करीना ने कि भाई तुम लोग को यहाँ पे इतने किल करने हैं, ये करना है, वो करना है। तुम्हें सिंपली डेली गेम में आना है, गेम वगैरह खेल लेना है। लॉगिन उसी को बोलते हैं कि अगर तुम गेम ओपन करते हो तो वो लॉगिन में काउंट होता है। तो यहाँ पे तुम्हें 6 दिन तक लॉगिन करना था, तो मैंने यहाँ पे देखो 6 दिन कंप्लीट कर लिए। अभी 7वां दिन होने वाला कल, और हम लोग को यहाँ पे जर्सी मिलेगी, ठीक है? तो कल सुबह तुम लोग को जर्सी मिल जाएगी। तो कौन सी जर्सी लेनी चाहिए वो अपन बात करेंगे, बट उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कैसे तुम लोग फ्री में डायमंड ले सकते हो। मतलब एक ट्रिक है जिसे तुम लोग फ्री में डायमंड ले पाओगे, तो ध्यान से एक बार ट्रिक को देख लो। सो गाइस देखो, तुम्हें फ्री में डायमंड लेने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन है वहाँ पे दोनों ही जगह टॉप पे एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। देन तुम्हारे सामने एक ऐप आएगा विंजू, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ नहीं करना, इंस्टॉल वगैरह करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना। अब जैसे मोबाइल नंबर डालोगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, थोड़ा सा इंतजार करना। जैसे OTP आ जाए तुम्हारे सामने यहाँ पे बहुत सारे गेम आएंगे। देखो इतने सारे गेम है, इनमें से तुम्हें कोई भी एक गेम खेल लेना है जो भी तुम्हें पसंद है। अब जैसे गेम खेलोगे पूरा गेम खेलना है। जैसे तुम लोग गेम को जीत जाओगे तुम्हारे सामने कैसा इंटरफेस आएगा यहाँ पे तुम्हें बताएंगे कि भाई तुम पैसे जीत चुके हो। गाइस देखो एक और चीज बता देता हूँ कि अगर तुमने पहले कभी विंजो डाउनलोड किया अपने फोन में तो तुम्हें उसमें पैसे नहीं मिलेंगे। अगर तुम पहली बार विंजो डाउनलोड करते हो नए फोन में नए मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हो तभी इतने पैसे मिलेंगे। एंड भाई तुम लोग सोचो, अगर तुम लोग यहाँ पे 4-5 गेम खेलते हो एंड वो गेम जीतते हो तो भाई तुम लोग यहाँ पे आराम से 300-400 रुपए ले सकते हो। 300-400 रुपए से अपने फ्री फायर में टॉपअप करो भाई, मस्त एकदम फ्री का। तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई हम लोग को पैसे तो चलो मिल गए लेकिन इनसे टॉपअप कहाँ पे करें? तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है टॉपअप वाला, इस पे क्लिक करना है। देन सिंपली यहाँ पे टॉपअप कर लेना, अपनी UID डाल देना और टॉपअप वगैरह करके, एंड डायमंड आ जाएंगे तुम्हारी ID में। और भाई मैं खुद यहाँ से टॉपअप करता हूँ बहुत बार, जब मैं फ्री होता हूँ तो गेम खेल के पैसे जीत जाता हूँ। एंड काफी लोग अभी लूट रहे हैं भाई, इधर बहुत सारे पैसे हैं। तो तुम लोग भी जाओ भाई डाउनलोड करो, लेकिन नए फोन में और नए मोबाइल नंबर से लॉगिन करना, तभी तुम लोग को यहाँ पे डायमंड वगैरह मिलेगा। तो जाके लूट लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो गाइस अभी हम बात कर लेते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में कि यहाँ पे जो जर्सी है वो कौन सी लेनी चाहिए। तो देखो मैं तुम लोग को यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो ब्लैक वाली है और जो ब्लू वाली और जो पिंक वाली है। तो देखो सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ कि अगर तुम एक लड़के हो और अगर तुम पिंक वाली जर्सी लेते हो तो भाई मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगती पिंक वाली जर्सी, मैं पहले अपना बता देता हूँ। तो मुझे तो भाई ये जो ब्लैक वाली और ब्लू वाली ये काफी मस्त लग रही है। और यहाँ पे तुम लोग 2 जर्सी ले पाओगे, पता है कैसे? मतलब एक तो कल ले ही पाओगे, कल तुम सिर्फ एक जर्सी चूज कर पाओगे, उसके अलावा लॉग इन 10 डेज वाला भी जर्सी वाला जो क्रेट है वो तुम्हें देखने को मिलेगा, मतलब 10 दिन लॉगिन पे। तो मतलब कि कल 23 नवंबर है, तो फिर मान लो 25 नवंबर को तुम लोग को एक और, नहीं सॉरी 26 नवंबर को तुम लोग को एक और क्रेट मिलेगी, उसके अंदर से तुम लोग यहाँ पे एक जर्सी ले पाओगे, ठीक है? तो ओवरऑल बात यह है कि तुम्हें 2 जर्सी यहाँ पे मिलेगी एंड दोनों जर्सी तुम लोग क्लेम करके पहन सकते हो। बट मेन चीज यही है कि भाई 2 जर्सी भी कौन सी ले, फिर भी 1 जर्सी बचती है। तो देखो मैं तुम लोग को एक चीज बता देता हूँ कि भाई पिंक वाली जर्सी है जो मुझे उतनी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, बट अगर तुम लोग को भाई पसंद है कलर पिंक कलर, एंड देखो लड़की अगर तुम हो तो भाई पिंक वाली जर्सी तुम्हारे लिए बनी है। तुम ये वाली जर्सी सबसे पहले चूज कर सकते हो कल, एंड तुम पे काफी अच्छी लगेगी ये पिंक वाली जर्सी फीमेल कैरेक्टर पे। उसके अलावा अगर तुम एक लड़के हो तो भाई ये जो ब्लैक वाली जर्सी है, कल ये जो ब्लैक वाली जर्सी है वो सिलेक्ट कर लेना इसमें से। एंड उसके अलावा जो अगली जो होगा मतलब कि 10 दिन बाद मिलेगा उसमें तुम लोग पिंक वाली जर्सी भी चूज कर सकते हो, एंड उसके अलावा ब्लू कलर की जर्सी भी चूज कर सकते हो। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि काफी ज्यादा लोग यहाँ पे सिर्फ पिंक वाली जर्सी लेंगे, तो भाई तुम लोग ऐसी जर्सी चूज करना जो बहुत कम लोग ले, क्योंकि देखो सब लोग वही चीज लेंगे ना तो उसकी डिमांड नहीं रहती है, फिर उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहती है, मतलब भाई वो नॉर्मल चीज लगने लगती है, ठीक है? तो यहाँ पे तुम लोग को क्या करना, थोड़ा दिमाग के साथ खेलना है। एंड तुम्हें यहाँ पे ऐसी जर्सी सेलेक्ट करनी है जो ज्यादा लोग नहीं ले। तो भाई यहाँ पे देखो ज्यादातर लोग ना ये पिंक वाली जर्सी लेंगे, तो तुम्हें भाई ये जो ब्लैक वाली और ये जो ब्लू वाली है ये दोनों जर्सी ले लेनी है, ठीक है? एंड कल जब लोगे तो भाई कल ये ब्लैक वाली ले लेना,
फिर जैसे 10 दिन लॉग इन पे तुम लोग को यहाँ पे एक और करेट मिलेगी, उसके अंदर से ब्लू वाली ले लेना, ठीक है। तो दोनों जर्सी तुम लोग ले सकते हो, एंड अगर तुम लड़की हो तो तुम लोग पिंक वाली जर्सी ले सकते हो। तो मैं तो भाई ब्लैक एंड ब्लू दोनों लेने वाला हूँ। एंड इसके अलावा गाइस एक और चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फ्री फायर में कल एक इवेंट आने वाला है, जो जितने भी क्रिमिनल बंडल थे वो सब रिटर्न में आने वाले कल सुबह 4 बजे। एंड भाई यहाँ पे जितने भी क्रिमिनल थे वो सब तुम्हें देखने को मिलने वाले। एंड यहाँ पे जो गोस्ट क्रिमिनल है, एक नया क्रिमिनल का बंडल है भूत जैसा, तो वो भी तुम्हें सुबह 4 बजे देखने को मिल जाएगा इवेंट में। एंड भाई उसमें काफी ज्यादा डायमंड लगने वाले है, वैसे मैं स्पिन करके दिखा दूंगा तुम्हें, कल सुबह वीडियो पोस्ट कर दूंगा। तो भाई कल सुबह तुम लोग वीडियो देख लेना, मैं चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड अगर तुम लोग को यहाँ पे क्रिमिनल बंडल निकालना है तो भाई वो वीडियो तुम्हारे लिए काफी काम की होगी, क्योंकि उसमें मैं काफी डायमंड स्पेंड करने वाला हूँ। एंड तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि भाई कितने डायमंड तुम्हारे क्रिमिनल में, मतलब जो क्रिमिनल बंडल उसमें लग सकते हैं, तो तुमसे मतलब तुम्हारी उससे हेल्प हो जाएगी, ठीक है। एंड बाकी बस भाई यही था वीडियो में, आई होप मैंने सारी चीज़ें मतलब क्लियर कर दी तुम्हारी। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड जो मैंने तुम्हें फ्री में डायमंड की ट्रिक बताई थी भाई, जाके ट्राई कर लेना, उधर से तुम लोग को फ्री में डायमंड मिल जाएगा। एंड नए फोन में और नए मोबाइल नंबर से लॉग इन करोगे तभी उधर से इतना पैसा मिलेगा, तो जाके लूट लो भाई तुम लोग भी। एंड बाय बाय, टेक केयर।